नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एल्गी के तैलस स्ट्रक्चर के बारे में। एल्गी के तैलस स्ट्रक्चर के बारे में शुरू करने से पहले मैं थैलस के बारे में बताना चाहूँगा। थैलस वो स्ट्रक्चर है जब प्लांट बॉडी स्टेम, लीफ और रूट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है और उसमें वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं मिलता है, तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। एल्गी, फंजाई, लाइकेन और कुछ लिवरवर्ट्स थैलस के एग्जाम्पल हैं। एल्गी में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि उसका थैलस यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक हो सकता है। थैलस के आधार पर एल्गी को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है यूनिसेलुलर, नेक्स्ट कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनेसियस, पैरेन्काइमेटस। इस पूरे वीडियो में हम इन पांचों प्रकार के थैलस के बारे में जानेंगे और उनके एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे। यूनिसेलुलर थैलस जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, इसका पहले हम बात करते हैं राइजोपोडियल की। तो राइजोपोडियल में सेल वॉल रिजिड नहीं होती है और प्रोजेक्शंस की हेल्प से वो सेल मूव करती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोमीबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये प्रोजेक्शंस हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट करता है, जिनको राइजोपोड भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में जो इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम अगर सिंगल है तो उसको हम फ्लैजिलम कहेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म में है यानी कि एक से ज़्यादा हैं तो हम उनको फ्लैजिला कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है यूग्लीना एंड क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट आता है आपका स्पायरल फिलामेंट। स्पायरल फिलामेंट कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पायरोलिना के स्ट्रक्चर में ये कॉइल के फॉर्म में मिल रहा है। स्पायरोलिना सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है और इसमें 60% तक प्रोटीन पाया जाता है। नॉन मोटाइल वो हैं जिनमें फ्लैजिला यानी कि मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो फ्लैजिला इसमें एबसेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। नेक्स्ट कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर एक म्यूसेलेजिनस मास से घिरे रहते हैं और सभी मेंबर सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं। कॉलोनियल फॉर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिनोबियम की। तो सिनोबियम एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जिसमें सभी सेल एक ही शेप और एक ही जैसे अरेंजमेंट की होती हैं। इसमें आप देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर पेंडोराइना। पेंडोराइना में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो एक जेलेटिनस मास से देखिए घिरी हुई हैं और ये सारी सेल्स एक सिमिलर शेप की हैं। नेक्स्ट है आपका यूडोराइना, फिर वॉलवॉक्स, नेक्स्ट हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन में ये पूरा हाइड्रोडिक्टियन का थैलस नहीं है, ये सिर्फ एक उसका पार्ट दिखाया गया है जिसमें ये सेल्स जो आपकी हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना रही हैं। कॉलोनियल फॉर्म में आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है पॉलीमेलॉइड। पॉलीमेलॉइड में सेल का जो शेप और साइज होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा एफेनोथिका। ये टेट्रास्पोरा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो सेल की शेप है और साइज है वो डिफरेंट है और ये एफेनोथिका में भी सेल की शेप और साइज डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड कॉलोनी में क्या होता है कि डेंड्रॉइड कॉलोनी माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह बिहेव करती है। डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री। यहाँ पर एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। ये क्राइसोडेंड्रॉन में म्यूसिलेजिनस थ्रेड प्रेजेंट होगा जिससे सेल्स अटैच रहेंगी और ये सेल्स एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह, एक जैसे ये फिलामेंट ब्रांच्ड दिख रहा है, तो इस फिलामेंट ये पूरा एक ट्री की तरह शो हो रहा है, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल में सेल्स राइजोपॉड के अटैचमेंट की वजह से एक साथ में जुड़ी रहती हैं और ये एक कॉलोनियल फॉर्म बना देती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसिडियस्ट्रम। नेक्स्ट आता है आपका फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि ऐसे थैलस जो फिलामेंट के फॉर्म में दिखते हैं।
इन थैलस में एक स्पेशल फीचर होता है कि इनकी सेल्स में सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीज़न मिलता है, इनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न नहीं मिलता है। अब डिवीज़न की अगर मैं बात करें, सपोज़ ये एक सेल है, इसमें अगर सेल इस यहाँ से डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ पर उसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो दो डॉटर सेल बन जाएंगी, और ये दोनों डॉटर सेल जब बनेंगी तो इस टाइप के डिवीज़न को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्लेन में अगर वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो दो डॉटर सेल, एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे बनेगी, और इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डिवीज़न। फिलामेंटस फॉर्म में डॉटर सेल्स मेन प्लांट से अटैच रहती हैं और वहाँ से रिमूव नहीं होती हैं। फिलामेंटस फॉर्म को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अनब्रांच्ड। अनब्रांच में जो फिलामेंट होगा उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न तो मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी, यानी कि ये सभी सिंगल एक अनब्रांच्ड थैलस है। इसमें कोई भी कहीं किसी में भी एक ब्रांच नहीं निकली हुई है, एक सिंगल यूनिफॉर्म थैलस शो हो रहे हैं। तो ये सभी हमारे अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है। ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड ऑइडोगोनियम। फिलामेंटस फॉर्म के नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करते हैं ब्रांच फिलामेंट्स की। ब्रांच फिलामेंट्स भी यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फिलामेंट की। सिंपल फिलामेंट में जो बेसल सेल होती है, यानी कि सबसे नीचे की फिलामेंट की जो सबसे नीचे की सेल होगी, वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, जिसके थ्रू पूरा प्लांट, ये एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा में ये बेसल सेल है जो नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगी और इसके ऊपर पूरा फिलामेंट रहेगा। ये फिलामेंट्स ब्रांच फॉर्म में होगा, जैसे पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फिलामेंट अनब्रांच था, यानी कि एक सिंगल फिलामेंट था, लेकिन यहाँ पर फिलामेंट में ब्रांचिंग भी मिलेगी। तो ये सिंपल फिलामेंट है, यानी कि ब्रांच का एग्जाम्पल है ब्रांच फिलामेंट में, सिंपल टाइप का फिलामेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो है हेटरोट्राइकस फिलामेंट। हेटरोट्राइकस में फिलामेंट दो अलग अलग सिस्टम्स में डिफरेंशिएटेड होता है। पहला सिस्टम है प्रोस्टेट सिस्टम और दूसरा सिस्टम है इरेक्ट सिस्टम। तो अगर हम इसमें देखें तो ये फ्रिस्चेला और ये एक्टोकार्पस, ये प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम को शो कर रहा है। इसमें जो नीचे की सेल्स हैं, ये प्रोस्टेट सिस्टम की सेल्स हैं, ये इस तरीके के प्लेन में डिवाइड होती हैं और प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाती हैं। इरेक्ट सिस्टम में जो सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और डिवीज़न में ये सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। कुछ प्लांट्स में इरेक्ट सिस्टम नहीं मिलता है और कुछ प्लांट्स में प्रोस्टेट सिस्टम नहीं मिलता है या एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ड्रेपेनल डिओप्सिस, जिसमें कि प्रोस्टेट सिस्टम एलिमिनेट रहेगा, और दूसरा एग्जाम्पल है कॉलियोचीटी, इसमें इरेक्ट सिस्टम एलिमिनेटेड रहता है। नेक्स्ट फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है स्यूडो पेरेन्काइमेटस। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो ये फिलामेंट फॉल्स पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसमें कई सारे फिलामेंट्स एक सेंट्रल या फिर एक्सियल फिलामेंट से अटैच रहकर वहाँ पर ब्रांच फॉर्म शो करते हैं। जैसे अगर मैं बैट्राकोस्पर्मम का एग्जाम्पल में देखूं, यहाँ पे एक मेन फिलामेंट है एक्सियल फिलामेंट, उससे कई सारे छोटे छोटे फिलामेंट्स निकले हुए हैं और एक ये हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। यूनी एक्सियल का एग्जाम्पल है बैट्राकोस्पर्मम, ये बैट्राकोस्पर्मम का स्ट्रक्चर है। और मल्टी एक्सियल का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, बी पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर है, जिसका एक स्मॉल पोर्शन का एंड लार्जर सेगमेंट यहाँ पर दिखाया गया है, ये पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइफोनेशियस फॉर्म की। तो साइफोनेशियस वो थैलस होते हैं, जैसे साइफोन का मतलब होता है हॉलो ट्यूब, तो साइफोनेशियस वो थैलस होंगे जो अंदर से खोखले रहेंगे। साइफोनेशियस थैलस ब्रांच्ड होते हैं, एसेप्टेट, सिनोटसिटिक होते हैं, ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, लेकिन उनमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है वाउकेरिया और बॉटरीडियम।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसेप्टेट वो हैं जिनमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसी में यहाँ पर डिवीज़न हो तो हो रहा है, लेकिन उसमें वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बायोकेरिया की पेरिफेरी पर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें कहीं भी डिवीज़न नहीं हो रहा है। अगर जो डिवीज़न होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है और साइटोप्लाज्म में डिवीज़न नहीं मिलता है, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं सिनोसिटिक। नेक्स्ट है पैरेन्काइमेटस फॉर्म। पैरेन्काइमेटस जो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर फ्लैट फोलियोज ट्यूबुलर लाइक होते हैं। ये थैलस में एक दो या दो से अधिक अलग अलग प्लेन्स में डिवीज़न होता है। फोलियोस का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है अलवा का, अलवा एक फ्लैट फोलियोस स्ट्रक्चर है जहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, डॉटर सेल पेरेंट सेल से रिमूव नहीं होती हैं और एक पूरा यूनिफॉर्म फोलियोस स्ट्रक्चर बनाती हैं। और अगर पैरेन्काइमेटस के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा जाए तो सॉर्गेसम में पैरेन्काइमेटस सेल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है जो पैरेन्काइमेटस टाइप के थैलस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से संबंधित तो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।